नमस्कार फ्रेंड्स, कैम शो। आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू ऑफ दया, जो कि वेब सीरीज है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे करीब 4 अगस्त को रिलीज हुई है। ये वेब सीरीज तकदीर करके बंगाली वेब सीरीज थी, जो 2 साल पहले एमएक्स प्लेयर पर फ्री में आई थी, उसी की ऑफिशियल रीमेक है। तो अगर आपने वो देख ली है तो ये देखने का बनता नहीं है, डेफिनेटली आप ये स्किप कर सकते हैं। अगर आपने तकदीर नहीं देखी है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये दया देखिए। अगर आपको क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वाली सीरीज पसंद है तो यस, श्योर शॉट ये देखनी चाहिए। पर आपने अगर तकदीर देख ली है तो कोई बनने का देखने का बनता ही नहीं है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जियो सिनेमा पे जाइए, वहाँ ये मई 6 को सभी एपिसोड रिलीज हो गए तकदीर के। पर तकदीर देख लीजिए दोस्तों, तो ये कंटेंट सेम है, कोर सेम है, मिस्ट्री सेम है, सस्पेंस सेम है, तो आपको ये जो मज़ा मुझे इसमें आया वो आप में उसमें भी आएगा। और यहाँ पर एक अच्छा वही बात है कि कुछ डायलॉग्स चेंज किए हैं, कुछ कैरेक्टर्स नए लाए हैं, और सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ढांसू है ना कि यार गजब। मतलब एक छोटा सा भी नॉर्मल सा सीन चल रहा हो ना, वो भी आपको मज़ा आ जाएगा बिकॉज ऑफ म्यूजिक एंड दैट सिनेमेटोग्राफी। तो यस, अगर आपको आपने दोनों नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिजिटल पर हॉटस्टार पर जाइए और ये दया देखिए। ऐसे तो दया नाम सुनकर हमें सीआईडी का दया याद आ जाएगा, पर यहाँ पर तो दोस्तों दया सत्या है, सत्या क्यों है आप सीरीज देखो पता चल जाएगा। और सत्या क्यों है, क्योंकि 1998 में ये सत्या मूवी आई थी, तभी से हम इनको जानते हैं। जेडी चक्रवर्ती जो कि लीड एक्टर है इस सीरीज के, बहुत ही शानदार एक्टिंग है। मुझे पर्सनली तकदीर से ये एक्टर बहुत शानदार लगा, वो भी बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, ऐसा नहीं है, पर दैट इज पर्सनल चॉइस। और जैसे जैसे दोस्तों पहले 3-4 एपिसोड शायद थोड़े आपको लगेगा कि स्लो है, बाद के 4 एपिसोड बहुत ही शानदार है। बहुत सारे लेयर्स उसमें खुलते हैं। एक सस्पेंस जो कि है कि जेडी चक्रवर्ती जिसमें दिखाया है दया का रोल में, वो एक फ्रोजन वान, जो आइस वो फ्रोजन वान होती है, वहाँ मछली के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए उसमें काम करता है। और एक दिन वो देखता है कि उसमें एक लाश आ जाती है, तो फिर लाश किसकी है, कहाँ से आई, फिर उसके थ्रेड्स कॉल आते हैं, फिर उसको क्या करना पड़ता है, इसकी मिस्ट्री क्या निकलती है, किसने इसको मारा है, इसमें या दया इन्वॉल्व है क्या, उसकी फैमिली इन्वॉल्व है क्या, और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है क्या। तो यस, ये सभी चीज़ें बहुत ही एक नेक्सस चलता है, बहुत ही शानदार तरीके से आगे जा रहा है, और बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं इसके, बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं। और एक एक ही स्टोरी नहीं है उसमें, मल्टी लेयर्ड स्टोरी है, जो कि एक एंड में आपको लगेगा कि नहीं कहीं कहीं ये सब जुड़ी हुई है। तो आप शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि यार ये मेन चीज़ से क्यों ये डाइवर्ट हो रहा है। तो उसमें एक जर्नलिस्ट है उसका भी कुछ रोल है, एक पॉलिटिशियन है उसका भी कुछ रोल है, और ये सब चीज़ें कुछ आती है, पुलिस का भी कुछ रोल है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये सभी चीज़ें साथ साथ में चलती है, पर आपको डेफिनेटली एंगेज रखेगी। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से इसको 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, मैं इसको 3.5 इसलिए दे रहा हूँ कि दोस्तों ये स्टोरी कोर है ना, वो तो कहाँ से लिया है ना, कि मेन कोर ही होता है। तकदीर के लिए तो मैं डेफिनेटली 4 दूंगा, क्योंकि यार ये नई स्टोरी थी ना, पर वर्थ वॉच है। हाँ, ये दूसरा सीजन देखना पड़ेगा, यहाँ आधी छोड़ दी है, तो डेफिनेटली ये दूसरा सीजन आएगा तकदीर का, जब लाएंगे तब ये लाएंगे, या फिर वो अपना खुद से लाएंगे पता नहीं। पर यस, अगर आपको एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर पसंद है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं जेडी चक्रवर्ती के लिए, इसके सस्पेंस के जो लेयर्ड वाइज खुलते हैं इसके लिए, और इसके बीजीएम और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शानदार है। तो मुझे मज़ा आया, अगर आपने देख लिया तो मुझे बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।